नमस्कार बच्चों, आज की हमारी क्लास बीए थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है। उनका पेपर है सेकंड मापन और मूल्यांकन का, और हमारा जो टॉपिक है वो है परीक्षण प्राप्तांकों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है कि परीक्षण में जो प्राप्तांक मिलते हैं या जो छात्र प्राप्तांक को अर्जित करते हैं, उनको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, ये जो टॉपिक है वो आज हम सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी ये टॉपिक है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपसे रिलेटेड है। क्योंकि एक जो आप एग्जाम देते हो, तो एग्जाम देने के समय आपको जो एग्जाम देने के बाद जो आपको प्राप्तांक मिलते हैं या अंक जो मिलते हैं, तो उन अंकों के पीछे कम या ज्यादा होने के लिए के पीछे कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो आपके अंक को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि परीक्षण प्राप्तांकों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो परीक्षण से मतलब टेस्ट। जब हम एक छात्र जो है, जब वो टेस्ट देता है, एग्जाम देता है, कोई पेपर करता है, पेपर करने के बाद उसको जो प्राप्तांक मिलते हैं या प्राप्तांक वो जो छात्र अर्जित करता है, उनको बहुत सी चीजें ऐसी है जिसकी वजह से हो सकता है एक छात्र का उसके अंदर वाकई कोई योग्यता है, लेकिन वो जो अंक उसको मिलने चाहिए थे वो अंक नहीं मिल पाते। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से एक अच्छे स्टूडेंट को भी, एक अच्छे विद्यार्थी को भी अपनी वास्तविक योग्यता के आधार पर प्राप्तांक नहीं मिल पाते। तो आज हम उसी से संबंधित ये बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कि एक छात्र को अपनी वास्तविक योग्यता होने के बावजूद भी अच्छे अंक प्राप्त नहीं मिल पाते। ठीक है, तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज है, एक हमारा जो पॉइंट है वो है परीक्षण आदत। ठीक है, परीक्षण आदत क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हमेशा कोई ना कोई एग्जाम देते रहते हैं, वो उनके अंदर वो कोई भी टेस्ट हो उसमें वो लगे रहते हैं, उसकी तैयारी करते रहते हैं, उसको पेपर देते रहते हैं। उससे क्या होता है, उनके अंदर एक एक्सपीरियंस या अनुभव हो जाता है। तो जो अनुभव हो सकता है वो बच्चे बहुत ज़्यादा उसके अंदर योग्यता ना हो, लेकिन लगातार चूंकि वो उस कार्य को लगातार वो प्रयास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पेपर को वो समझने भी लगा कि किस तरह के पेपर आते हैं, कैसे हमें उस पेपर को करना है, कितने समय में हमें कैसे उस चीज़ को मैनेज करना है, ये सब चीज़ें वो बच्चा उस परीक्षा जो ये पेपर देने की एक आदत होती है ना, उससे वो सीख जाता है। तो जब एक बच्चे के अंदर परीक्षण की आदत हो जाती है, तो वो परीक्षण जब वो उसको जो प्राप्तांक है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाते हैं, उनके नंबर उसको अच्छे मिलने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक एक्सपीरियंस आ जाता है, उसके अंदर एक परीक्षण विवेक बढ़ जाता है। ठीक है, उसे मालूम हो जाता है कि कैसा पेपर उसे करना है, कैसे उसको सब कुछ मैनेज करना है। लेकिन एक अनुभवहीन परीक्षण व्यक्ति, मान लीजिए जो बच्चा जिसने कभी ज़्यादा पेपर ऊपर नहीं दिया है और उसको वो पेपर देना चाहता है, और देने के बाद जब वो पेपर देखता है तो हो सकता है उसके अंदर काफ़ी अच्छी योग्यता हो, उस पेपर से अच्छी जुड़ी सारी उसकी तैयारी हो, लेकिन जब उसके सामने वो पेपर आता है तो उसे वो समझ नहीं पाता है कि उसका टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, कि कैसे हम उस परीक्षण को सॉल्व करें, कैसे उसको हम पहले उसको निर्देश पढ़ें या हम उसके बाद कैसे क्या करें। तो क्या होता है, जो अनुभव से विहीन व्यक्ति होता है वो प्रायः अपनी वास्तविक योग्यता से कम अंक प्राप्त है। हो सकता है वो उसमें बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन चूंकि वो अनुभव विहीन है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो पेपर कैसे करना है, कैसे क्या कर चीज उसे देनी है, तो वो इसकी वजह से उसके नंबर कम आ पाते। तो कहीं ना कहीं एक जो परीक्षण की आदत होती है, टेस्ट हैबिट होती है, ये हमारे अंकों को प्रभावित करती है। जो बराबर इन चीज़ों को देते रहते हैं, जो बराबर एक परीक्षण को देते रहते हैं, टेस्ट में बैठते रहते हैं, एग्जाम में बैठते रहते हैं, उनको अपने आप उनके अनुभव से वो चीज़ें वो सीख जाते हैं। ठीक है, तो और उनके अंक अच्छे आ जाते हैं। तो परीक्षण की जो एक आदत है वो भी छात्रों के प्राप्तांक को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगला हमारा पॉइंट है चिंता। कुछ विद्यार्थियों को
जब पेपर देने जाने जाते हैं तो उन्हें बहुत चिंता हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो वो अच्छा सब कुछ तैयारी होने के बावजूद भी वो अच्छे से उस पेपर को नहीं कर पाते हैं जितना उन्हें करना है, तो कहीं ना कहीं उनके अंक कम रह जाते हैं। तो चिंता भी कहीं ना कहीं एक छात्रों के अंक को प्रभावित करती है कि बहुत ज़्यादा चिंता करना कि हम प्रश्नों का सही से उत्तर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इसका भी उसके मनोस्थिति पर काफ़ी, एक परीक्षक की जो मनोस्थिति का भी इसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। परीक्षण अथवा परिणामों के प्रति चिंतित व्यक्ति परीक्षण के प्रश्नों को ठीक प्रकार से हल नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाए, हम बहुत अच्छे से कर दें, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जितनी उसकी वास्तविक योग्यता होती है उसके आधार पर वो अंक प्राप्त नहीं कर पाता। अगला हमारा पॉइंट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा भी एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से यदि हम, कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, कोई छात्र एग्जाम देने जा रहा है, यदि हम उसको प्रेरित करते हैं किसी भी चीज से, हो सकता है उसकी हम प्रशंसा करें कि नहीं तुम बहुत अच्छा उस कार्य को कर लोगे, तो उसके प्राप्तांक हो सकता है बहुत अच्छे आ जाए, वो बहुत कूल होकर के उस पेपर को दे और उसके नंबर अच्छे आ जाए। तो बहुत ज्यादा प्रेरणा भी हमारे कहीं ना कहीं प्राप्तांकों पर असर डालती है। कोई भी बच्चे जब उसे अपनी मेहनत से, मान लीजिए परीक्षण के प्राप्तांकों को अभिप्रेरणा जो है वो बहुत प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा छात्र परीक्षण को अपने अधिकतम प्रयास से हल करते हैं, जबकि कुछ छात्र जो है वो निराशा के वातावरण से अपने पूर्ण प्रयास, लगन व मेहनत से परीक्षण को नहीं देते, क्योंकि वो उनको प्रेरणा नहीं दी गई, उनको प्रेरित नहीं किया कि तुम ऐसा करोगे, तुम कर सकते हो, ये काम करो। तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों को हम कुछ प्रेरित करते हैं, हम अब प्रेरणा भी क्या है, कुछ चीज़ें बाह्य प्रोत्साहन दिया जाता है जैसे उपहार वगैरह दिया जाए, तो भी वो बच्चे ज़्यादा उतना अच्छे से नहीं कर सकते, बजाय उसके कि यदि हम किसी बच्चे को आंतरिक प्रोत्साहन देते हैं जैसे कि प्रशंसा वगैरह करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्व रखता है और इससे भी उसके प्राप्तांक पर असर पड़ता है। अगला हमारा है प्रतिक्रिया शैली। प्रतिक्रिया शैली से तात्पर्य परीक्षण पर किसी विशिष्ट प्रकार के उत्तरों को अधिक देने से है। प्रतिक्रिया शैली के अंतर्गत अंतर के कारण समान योग्यता वाले छात्र विभिन्न अंक प्राप्त कर सकते हैं। कुछ छात्र तीव्र गति से प्रश्नों को हल करना पसंद करते हैं और कुछ छात्र अधिक शुद्धता पर ध्यान देते हैं। गति व शुद्धता शैली कहते हैं। सहमति शैली में परीक्षार्थी बिना किसी, बिना सही हल जाने भी सही हल का चयन करने में प्रायः सफल हो जाते हैं। बहुत से विद्यार्थियों में प्रतिक्रिया शैली जो होती है, कुछ बच्चों में बहुत हड़बड़ाहट रहती है, बहुत तेजी से किसी कार्य को करना चाहते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो तुक्का लगा करके भी बहुत कूल माइंड से उस चीज को कर लेते। तो कहीं ना कहीं जो एक बच्चे के अंदर एक एग्जाम देने की जो प्रतिक्रिया होती है ना, प्रतिक्रिया शैली होती है, वो भी उसके प्राप्तांकों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगला हमारा पॉइंट है प्रशासन का ढंग। प्रशासन का ढंग क्या है कि परीक्षण को प्रशासित करने का ढंग भी छात्रों के प्राप्तांकों को प्रभावित करता है। ठीक है, अब परीक्षण जो आपके सामने आया है अगर उसको ठीक ढंग से प्रशासित नहीं किया गया तो भी उसका स्कोर पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, छात्रों के प्राप्तांकों पर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा। परीक्षण प्रशासक के द्वारा प्रयोजकों को निर्देश किस प्रकार दिए गए, कि किस प्रकार से उसमें निर्देश स्पष्ट है कि नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। परीक्षण के कक्ष का जो माहौल है या परीक्षण जिस पे बैठता है परीक्षार्थी वो कैसा है, ऐसे भी जो कुछ चीज़ें होती है, मान लीजिए आप क्लास में एग्जाम देने गए, पेपर आ गया सामने, लेकिन जो भी उसमें निर्देश दिए गए वो क्लियर नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि हमें कितने प्रश्न करने हैं, कैसे हमें प्रश्नों का उत्तर देना है, या उस वहाँ का माहौल अच्छा नहीं, कमरे का मान लीजिए लाइट की व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है, मतलब आपके लिए कम्फर्टेबल नहीं है, जो सीट है वो भी कम्फर्टेबल नहीं, तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि बच्चे का सारा दिमाग उन्हीं चीज़ों में चला जाता है और कहीं ना कहीं उसके जो अंक है वो प्रभावित हो जाते हैं। अगला है हमारा परीक्षक। परीक्षक क्या है कि परीक्षक की जो प्रकृति व व्यवहार भी परीक्षण प्राप्तांकों पर प्रभाव पड़ता है। क्या होता है परीक्षक, क्या होता है कि ज्यादातर बहुत से जो प्रशिक्षित योग्य व अनुभवहीन जो टीचर्स होते हैं वो
बहुत अच्छे से निर्देशों का ठीक ढंग से पालन नहीं करते हैं, या बच्चों के जो अंक है उनको सही से नहीं दे पाते हैं, या कहीं ना कहीं वो पक्षपात का व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से भी जो उसकी वास्तविक योग्यता होती है एक विद्यार्थी की, उसके आधार पर उसको अंक नहीं मिल पाता है। प्रशिक्षित, सहानुभूतिपूर्ण, विनम्र, सहयोगी परीक्षक के द्वारा छात्रों को अपनी सर्वोत्तम योग्यता को ठीक प्रकार से प्रदर्शित करने का अवसर प्रायः मिलता है। ठीक है, जो अच्छे जो टीचर्स होते हैं, ट्रेंड टीचर्स होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, उनसे भी छात्रों को अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का काफ़ी अच्छा अवसर मिलता है। लेकिन इसके विपरीत, जहाँ पे अप्रशिक्षित, अनुभवहीन, खीजल, जो बड़े खिसियाए हुए होते हैं, हर समय गुस्से में रहते हैं, ऐसे परीक्षक जो परीक्षण प्रशासन के निर्देशों का ठीक ढंग से पालन नहीं करते, निर्धारित समय से कम या अधिक समय प्रदान करना तथा निर्देशों को गलत ढंग से देना जैसे कारकों से जो परीक्षण प्रवर्तन पूरी तरह से प्रभावित। यहाँ पे कहने का मतलब यह कि परीक्षक की भी कमी से जो एक विद्यार्थी के है प्राप्तांक है वो प्रभावित हो सकते हैं। मान लीजिए 3 घंटे का समय दिया गया है, अब आपका टाइम शुरू हो गया, पर परंतु जो परीक्षक है वो आपको कॉपी नहीं दे रहा है, या वो बहुत ज़्यादा समय लगा रहा है, या वो अभी आपको ठीक ढंग से करने नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, तो इस टाइप के जो फैक्टर्स होते हैं उनके द्वारा भी विद्यार्थी के जो प्राप्तांक है उस पर असर पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी भी सही उनको समय नहीं मिल पाता। अब मान लीजिए आप पेपर कर रहे हैं, उसी समय जो परीक्षक है उसको लग रहा है कि बस जल्दी से हो जाए, और वो उस पेपर को छीन लेते हैं, उसको सही से समय नहीं दे पाते हैं, या जो उसमें निर्देश दिए, जो बच्चों को निर्देश देने हैं वो स्पष्ट निर्देश नहीं देते। तो ऐसे भी चीज़ें हैं, ऐसे भी कारक हैं जिससे जो एक छात्र के प्राप्तांक है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। अगला है पूर्व सूचना, परीक्षण कब दिया जाएगा, कब होना है, जैसे पेपर्स वगैरह के लिए होता है ना कि बच्चों को पेपर देने हैं, कब है पेपर, कब नहीं होना है, तो ये भी चीज़ें हैं हमारे अंक को प्रभावित करती है। मान लीजिए कुछ बच्चों को पहले से पता होता है कि आज हमारा पेपर है, तो वो तो बहुत अच्छे से तैयारी से आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें पहले से पता नहीं होती, पूर्व सूचना नहीं होती है, और जब अचानक से उन्हें पता चलता है, भले उनकी कितनी अच्छी तैयारी होती है, तो वो क्या होता है, घबराहट में बहुत अच्छे से उस पेपर को नहीं कर पाते हैं, और तुलना में प्रायः अधिक अंक जो और उससे कम योग्यता वाले बच्चे हैं वो उससे ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व सूचना है वो भी विद्यार्थियों के अंकों पर बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो बच्चों को पहले से सूचना देना बहुत ज़रूरी है, या पहले से बताना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे, ताकि अचानक से किसी चीज़ को समझ के घबरा करके जो उनकी अपनी वास्तविक योग्यता है उसका प्रदर्शन ना कर पाए, और इन चीज़ों की वजह से उनके अंक जो है वो प्रभावित हो जाए। अगला है हमारा अंकन। अंकन में क्या है कि अंकन करते समय त्रुटियाँ हो सकती हैं, हो सकता है नंबर जो परीक्षक ने दिया है वो सही से ना जोड़े तो भी एक बच्चे के नंबर कम हो सकते हैं, या ठीक ढंग से कॉपी नहीं चेक की गई है तो भी बच्चे का जो अंक है वो प्रभावित हो सकते हैं। तो अंकन करते समय जो त्रुटियों के कारण कुछ भी हो सकता है, इसके वजह से भी बच्चों को कम अंक प्राप्त हो सकता है। तो जैसे अंकन निर्देशों का ठीक ढंग से पालन न करना, लापरवाही से अंकन कार्य करना तथा जोड़ने में गलती करना, कुछ ऐसे कारक हैं जिनके कारण छात्रों के कम या अधिक अंक हो सकते हैं। हो सकता है जितनी उनकी वास्तविक योग्यता नहीं है और उनके गलत अंक जुड़ गया, उनको ज़्यादा ही अंक मिल जाए, या जो बच्चा अच्छा हो और उसने अच्छा लिखा हो लेकिन नंबर जोड़ने में गलत करने पर, अंकन सही ना होने पर उसके अंक कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं अंकन भी जो है वो उसको परीक्षण के प्राप्त अंकों को प्रभावित करता है। अगला हमारा पॉइंट है व्यवधान। व्यवधान, परीक्षण देते समय अनायास हुए व्यवधानों के कारण भी छात्रों के प्राप्तांक प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कि परीक्षण देते समय शोर का होना, प्रकाश का कम होना, मान लीजिए अचानक आते आते लाइट चली गई, डेस्क का ठीक ना होना, गर्मी या सर्दी का बहुत ज़्यादा प्रकोप होना, उड़न दस्ते के द्वारा तलाशी का लेना आदि कारणों से भी परीक्षार्थी को अपना कार्य पूरा करने में व्यवधान हो जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जब आप एग्जाम होते हैं तो उसी समय फ्लाइंग स्पॉट आ गया, अब आपकी चेकिंग करने लगे तो उतना समय आपका बर्बाद हो गया। तो जो चीज़ आपके दिमाग में है, कुछ दूसरों बच्चों को देख के थोड़ी घबराहट भी होती है, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ आप करना चाहते थे, आप अपने टाइम मैनेजमेंट लेके चल रहे थे, तो वो अपने सही टाइम पर आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। तो ये भी चीज़ है, जो व्यवधान बीच में रुकावट आ जाता है, अचानक से शोर होने लगा, किसी की तबीयत खराब हो गई,
ये सभी समस्याएं एक विद्यार्थी के सामने आती है और उसके अंक को प्रभावित करती है।